वहीं मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, दोनों प्रकार के क्षेत्र हैं हमारे यहाँ। माने अगर सही मायने में जो है, एक तरफ से हम हिमालय राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं हम जो भारत की जो एक परंपरा है, भारत का जो भौगोलिक वो स्थान है, उसका भी हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और मैं सच बताऊं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार हमको हर क्षेत्र में भारत की सरकार ने हर स्तर से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आप सड़कों की बात करें, देखिए आप सड़कें पहले की कैसी होती थी और आज कैसी हो रही। चार धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, हरिद्वार से देहरादून जाना हो, देहरादून से दिल्ली जाना हो, हरिद्वार से दिल्ली जाना हो, या यहां से बद्रीनाथ जाना हो, या केदारनाथ की यात्रा पर जाना हो, या यहां से हरिद्वार और हरिद्वार से काशीपुर और रुद्रपुर जाना हो, या टनकपुर से आगे पिथौरागढ़ जाना हो, चारों तरफ इस प्रकार की कनेक्टिविटी बन गई है। और आने वाले कुछ सालों में हम दिल्ली से देहरादून की दूरी भी 2 से 2.5 घंटे में पूरी कर लेंगे। आज हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी हमारे यहाँ पर केदारनाथ में जहाँ रोपवे का शिलान्यास कर दिया है, आने वाले समय में गौरीकुंड से केदारनाथ हम रोपवे से जा पाएंगे। सुबला जी आप तो वहीं के, और हेमकुंड साहब जाने के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगते थे, और जो बुजुर्ग लोग हैं जी उनके लिए तो बहुत कठिन हो जाती थी यात्रा, अस्वस्थ लोगों के लिए और कठिन हो जाती थी। वो यात्रा भी हमारी बहुत सरल होने वाली है, वह भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाला 13 किलोमीटर रोपवे का वहां भी शिलान्यास हो गया है। बहुत आसान हमारी यात्रा होने वाली है। हम लोग सारे परस्पर जो है कुमाऊं गढ़वाल सबकी कनेक्टिविटी बढ़िया बने, आने वाले यात्रियों को अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिले, उनकी यात्रा सरल हो, सहज हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बार की यात्रा आप सब लोगों ने देखा, बड़ी कठिन यात्रा थी। इस बार बड़ा कठिन काम था कि इस बार यात्रा जो कि 2 सालों के बाद हो रही थी, और 2 सालों के बाद यात्रा होने के कारण अत्यधिक हमारे ऊपर दबाव था, लेकिन आप सबके सहयोग से सभी हमारे यहाँ के सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, पुलिस विभाग के लोगों ने, पर्यटन विभाग के लोगों ने, आपदा प्रबंधन के लोगों ने, संस्कृति विभाग, सभी विभागों ने मिलकर यात्रा को, ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष रूप से इस यात्रा को अच्छा बनाया, और इस बार हमारा रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड 50 लाख के करीब जो है चारधाम यात्रा में यात्री आ गए, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कांवड़ यात्रा में भी हमारे 3.5-4 करोड़ लोग जो है इस यात्रा में भी लोगों ने प्रतिभाग किया, और आने वाले समय में ये सब चीजें बढ़नी है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य की जो GSDP है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बड़ी सबमिट करी है, फूड प्रोसेसिंग पर काम करने वाले, कृषि के क्षेत्र में जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उद्योगों में जो लोग अपना यहाँ निवेश कर सकते हैं, और सभी लोग आने को तैयार है। एक अच्छा एटमोस्फेयर अभी हमारे यहाँ पर बन गया है, लोग आ रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन असली क्रियान्वयन का काम आप सब लोग हैं। आप लोग सरकार के हाथ पैर नाक कान सब आप लोग, आप चेहरा है, दर्पण है। अभी हमने IAS अधिकारियों का कल उनका मीट शुरू हुआ, उस मीट में भी मैंने उनसे कहा कि हमारी अपेक्षा आपसे ही है। हमने 3 दिनों का चिंतन किया है आने वाले समय में। हमने कहा है मैं सचिवालय के भी जो हमारे जो प्रमुख लोग हैं, सेक्शनों में काम करते हैं, उससे ऊपर काम करते हैं, उनके साथ भी हम एक दिन संवाद करना चाहते हैं, उनके साथ भी संवाद करेंगे, उनके साथ भी करेंगे, क्योंकि हमको राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करता है। जब सारी चीजें हमारे पास है तो हम क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? तो हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबको सामूहिकता की आवश्यकता है, जहां अधिकारियों की, कर्मचारियों की, आम जनमानस की, वहीं हमारे खिलाड़ियों की और पत्रकार साथियों की भी। आप
कानून की बहुत बड़ी भूमिका है दृष्टि की। आप सबके माध्यम से भी जन जागरण होगा, ग्राम सभाओं तक जाना है, अंतिम छोर तक जाना है, ग्राम चौपाल है, समाधान चौपाल है, बीडीसी बैठक है, ये हमारे तहसील दिवस, बहुउद्देशीय शिविर, इन सब के माध्यम से आप जनता को जहां तकलीफों से मुक्त करना है उस काम में भी आपका बड़ा योगदान है, हर किसी का योगदान है। तो आप तो दोहरा काम कर रहे हैं, एक तरफ जो है सरकारी काम भी कर रहे हैं और यहाँ खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। खेल भी एक ऐसा हमारा वो है कि इसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। खेल भावना हमको बताती है कि हम लगातार काम करते जाएं, स्थिति कोई हो, परिस्थिति कोई हो, कभी पीछे रह जाना है, कभी आगे चले जाना है, कभी गिर जाना है फिर उठ जाना है, कभी हार कभी जीत, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार चलना, ये हमको खेल का मैदान ही सिखाता है। चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे बैडमिंटन क्यों ना हो, हमारा कोई अन्य खेल क्यों ना हो, उन सब खेलों से हमको सीखने को मिलता है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आज खेल के क्षेत्र में जहाँ उत्तराखंड के हमारे बहुत सारे उदयमान खिलाड़ी, पुराने लोग अपने अनुभव के आधार पर उन सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पदक जीत रहे हैं, और खेलों के क्षेत्र में केवल एक खेल में नहीं, हर खेल में, क्योंकि आज एक नई जो हमारी चयन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार से देश में लागू की गई है, और उसके कारण से आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई खेल का मैदान हो, कोई खेल हो, वहां पर भारत का तिरंगा फैल रहा है, भारत का तिरंगा हमको दिख रहा है, हमारे गवाज खिलाड़ी वहां पदक जीत रहे हैं। तो मैं आप सबको आज के अवसर पर बहुत बधाई देते हुए आयोजकों को अपनी ओर से, और उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर अभी पन्ना लाल जी बता रहे थे कि बिल्कुल वेस्ट लेस कर दिया है, यहाँ पर कोई वेस्ट नहीं होगा, कोई जो है यहाँ पॉलिथीन नहीं होगा, इसके लिए भी मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूँ। और आप सबको बहुत आप सबको बधाई देते हुए कि ये आज प्रतियोगिता शुरू हो रही है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक जहाँ खेलने का एक अच्छा हमको खेल का तो माध्यम, खेल तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी आगे की जो कार्यशैली है, आगे की हमारी परस्पर बॉन्डिंग है वह भी मजबूत होगी, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।